दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता किसी का भी हो, सभी के लिए खास होता है। अगर बात करें टीवी की तो आपको कई ऐसे स्टार्स मिलेंगे जो कि सगे बहन भाई हैं और टीवी पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे टीवी अभिनेताओं की सगी बहनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं लेकिन लाइमलाइट से हमेशा दूर रहने पसंद करती हैं। तो आइए जानें उन्हीं अभिनेताओं की बहनों के बारे में। नंबर वन, शरद मल्होत्रा। जी टीवी के सुपरहिट टीवी शो बनू मैं तेरी दुल्हन से अपने टीवी करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता शरद मल्होत्रा आज टीवी का काफ़ी लोकप्रिय नाम है। आपको बता दें कि शरद मल्होत्रा की एक बहन है और उनकी बहन का नाम रीमा है। रीमा किसी बॉलीवुड अभिनेत्री की तरह ही काफ़ी खूबसूरत हैं लेकिन वो लाइमलाइट से हमेशा दूर ही रहती हैं। नंबर टू, करण वाही। टीवी और बॉलीवुड दोनों जगह अपनी पहचान बना चुके अभिनेता करण वाही भी आज काफ़ी लोकप्रिय हैं। आपको बता दें कि करण वाही सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सुपरहिट वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स के पहले सीजन में भी नजर आ चुकी हैं। बता दें कि करण वाही की बहन का नाम इशिका वाही है और इशिका ज़्यादातर लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करती। नंबर थ्री, करण टैकर। अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहने वाले अभिनेता करण टैकर फिलहाल किसी भी टीवी शो में नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे करण कई सुपरहिट टीवी शोज का हिस्सा रह चुके हैं। आपको बता दें कि करण टैकर की भी एक बहन है जिनका नाम आशा टैकर है। आशा काफी खूबसूरत हैं लेकिन फिर भी वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। नंबर फोर, कुशाल टंडन। कई लोकप्रिय टीवी शोज का हिस्सा रह चुके अभिनेता कुशाल टंडन अपने लव अफेयर्स को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दें कि कुशाल टंडन की बहन का नाम टीना है। खूबसूरत होने के बावजूद टीना भी कभी लाइमलाइट में नहीं रहती। नंबर फाइव, पार समथान। एकता कपूर के लोकप्रिय टीवी शो कसौटी जिंदगी की में अनुराग बासु का किरदार निभा रहे अभिनेता पार समथान की एक बहन है। आपको बता दें कि पार्थ की बहन का नाम दीपा है और वो शादीशुदा है। पार्थ टीवी का काफी लोकप्रिय नाम है लेकिन उनकी बहन दीपा लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा अभिनेता की बहन सबसे अच्छी लगी, हमें अपनी ये राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।